आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि विवादों में घिर गए हैं। वैसे तो दिनेश चंद्र ठाकुर बड़ा संभल के बोलते हैं, सटीक बातें बोलते हैं, लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश ही ऐसे देवता हैं जिनसे सब डरता, यानी कि शंकर, हमें और आपको शंकर बनना होगा, यानी कि जदयू के नेताओं को शंकर बनना होगा भाजपा का विध्वंस करने के लिए। पहले उनका ये भाषण सुनवा दे, उसके बाद आगे की पूरी कहानी बनाए। सभी लोग जो यहाँ है एक बात को याद रखिए, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझो, और हम लोग कमजोर समझते हैं इसलिए समाज हम लोग को आग दिखाता है। आप, मैं उदाहरण देता हूं और उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। आप याद रखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। पूरे धरती पर सबसे कम अगर आप प्रतिमा देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे, इसलिए कि वो सृष्टि करता है। सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी और वो जाके आप अपना आराम कर रहे हैं, चाहे कैलाश में हो चाहे आराम कर रहे हो। विष्णु जी हैं, वो संरक्षक हैं, उनसे भी कोई डरता नहीं, इसलिए कि वो संरक्षक है, वो संरक्षण करने में लगे हुए हैं, विध्वंसक नहीं है। लेकिन महेश विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे डरता है पूरा जमाना, पूरा समाज, पूरा धरती, और इसीलिए भगवान महेश की मूर्ति आपको सभी जगह आपको दिखाई देगी, मंदिर दिखाई देगी। इसलिए अगर हमको उतनी शांति से बैठने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंच से वो नीचे उतरे, जब उन्होंने उनको पत्रकारों ने घेरा और पूछा कि सीतामढ़ी में बड़ा टाइम दे रहे हैं, क्या बात है, क्या सांसद का चुनाव सीतामढ़ी से लड़ना है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सीतामढ़ी से ही सांसद का चुनाव लड़ूंगा। यानी कि अब ये क्लियर हो चुका कि सुनील कुमार पिंटू जो जदयू के सांसद हैं उनका टिकट कट गया है। उनसे पत्रकारों ने ये भी पूछा कि क्या नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है, उन्होंने कहा कि जी हाँ, सहमति मिली है, तभी सीतामढ़ी आया हूँ। सुनाते हैं उनको। नहीं बनाया है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज को नहीं बोल रहा है, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए? चलिए, चर्चा हो रही थी। प्रासंगिक नहीं होती तो मैं कहता नहीं, लोग मुझे जानते हैं, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निर्भीक वक्ता हूँ, किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मैं, जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में, निश्चित रूप से कहता हूँ, कहता हूँ निश्चित रूप से। संकेत तो मिला। सुना आपने, देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया कि नीतीश कुमार की सहमति से ही सीतामढ़ी आया हूं और सीतामढ़ी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। यानी कि कल अब जो इंडिया महागठबंधन की बैठक होगी उसमें लालू के साथ निश्चित तौर पर टकराव होगा नीतीश कुमार का, कि सीतामढ़ी सीट जो चाहिए वो नीतीश कुमार को चाहिए। कल के महागठबंधन की बैठक के बाद एक एक चीजें सामने आने लगेंगी कि कौन सीट किसके पास जा रही है, कौन किस सीट पर अपना दावा छोड़ेगा और दावा करेगा। कल दोपहर के बाद ये सारी खबरें आपके सामने आने लगेंगी। आप बने रहिए हमारे।